बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज है 14 मई 2020। आप देख रहे हैं पिताजी न्यूज की खास खबरें। बात करते हैं कोरोना आंकड़ों की, तो भारत में अभी तक 77,939 टोटल केस हो चुके हैं, इसमें उत्तर प्रदेश के केस नहीं जुड़े हैं। मौत की बात करें तो 2548 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज़्यादा केस महाराष्ट्र में देखने को मिले, जहाँ 25,922 टोटल केस हो चुके हैं। वहीं गुजरात में 9,268, तमिलनाडु में 9,227, दिल्ली में 7,998, राजस्थान में 4,328 और मध्य प्रदेश में 4,173 केस देखने को मिले हैं। विश्व की अगर बात करें तो 43,91,072 केस देखने को मिले हैं। 2,94,667 लोगों की मौत हो चुकी है। पहले खबर बढ़ते हैं, प्रवासी मजदूरों के टिकट के खर्च में योगदान स्वरूप हरियाणा कांग्रेस ने दिए 40 लाख। हरियाणा कांग्रेस प्रमुख कुमारी शैलजा ने प्रदेश इकाई की तरफ से कोषाध्यक्ष रोहित जैन के हाथों प्रवासी मजदूरों के रेलवे टिकट के खर्च में योगदान स्वरूप मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को 40 लाख का चेक भेजा। गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ऐलान किया था कि प्रवासी मजदूरों के टिकट का खर्च संबंधित राज्य की कांग्रेस इकाई उठाएगी। आई खबर दौड़ते हैं, कांग्रेस ओडिशा में एक दिन में मिले 101 नए कोरोना मरीज, किसी एक दिन में सर्वाधिक। ओडिशा में पिछले 24 घंटों में कोविड 19 संक्रमण के 101 नए मामले मिले हैं, जो अब तक किसी एक दिन में मिले मामलों में सर्वाधिक हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में संक्रमण के आंकड़ा 538 हो गया है, जिसमें 392 सक्रिय मामले हैं। संक्रमित ज़्यादातर लोग गुजरात व अन्य राज्यों से लौटे प्रवासी हैं। आए खबर दौड़ते हैं, 642 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाकर रेलवे ने 7.9 लाख लोगों को उनके गृह राज्य पहुंचाया। सरकार ने बुधवार को बताया कि 13 मई तक भारतीय रेल ने 642 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाईं और जिनके माध्यम से 7.9 लाख लोग अपने गृह राज्य पहुँचे। गौरतलब है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन का उद्देश्य लॉकडाउन के कारण देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे लोगों को राज्य की आपसी सहमति के बाद उनके गृह राज्य पहुँचाना है। आई खबर बढ़ते हैं, कोरोना वायरस टेस्टिंग के लिए पोर्टेबल डिवाइस विकसित कर रहा JNU। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने एक बयान में कहा कि वह कोरोना वायरस की टेस्टिंग के लिए कम खर्चे पर बैटरी से चलने वाला एक पोर्टेबल डिवाइस विकसित कर रहा है। JNU के अनुसार यह डिवाइस 50 मिनट में टेस्टिंग पूरी कर सकता है, जबकि परंपरागत तरीके से होने वाली टेस्टिंग में 120 से 180 मिनट का समय लगता है। आइए खबर जोड़ते हैं, वित्त मंत्री द्वारा आज की गई घोषणाएं MSME की समस्याओं को दूर करेंगी। प्रधानमंत्री ने बात कही, वित्त मंत्री द्वारा बुधवार को राहत पैकेज की घोषणाओं के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, वित्त मंत्री द्वारा आज की गई घोषणाएं बहुत हद तक उद्योगों, खासकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग MSME की समस्याओं को दूर करेंगी। उन्होंने कहा कि ये कदम नकदी का प्रवाह बढ़ाएंगे, उद्यमियों को सशक्त करेंगे और प्रतिस्पर्धा की भावना को मजबूत करेंगे। आए खबर दौड़ते हैं, अब 200 करोड़ तक के सरकारी कामों के लिए वैश्विक टेंडर नहीं होंगे, सीतारमण ने ये बात कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बताया कि 200 करोड़ तक के सरकारी खरीद निविदाओं के लिए वैश्विक टेंडर नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि इससे आत्मनिर्भर भारत बनेगा और मेक इन इंडिया को भी फायदा होगा। बकौल सीतारमण, भारतीय MSME विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते थे और इससे MSME को अपना कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी। आगे खबर दौड़ते हैं, 2019-20 के लिए आयकर भरने की समय सीमा 31 जुलाई व 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को वित्त वर्ष 19-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा 31 जुलाई और अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर करने की घोषणा की है। वहीं टैक्स ऑडिट की आखिरी तिथि 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दी है। इसके साथ ही विवाद से विश्वास स्कीम 31 दिसंबर
20 तक बढ़ाई गई है। एमएसएमई को बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ का लोन दिए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बात कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बताया कि आर्थिक राहत पैकेज में सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्योगों एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ के लोन दिए जाएंगे। 4 साल की अवधि वाले इस लोन के लिए इन उद्योगों को कोई गारंटी नहीं देनी होगी और 25 करोड़ बकाया बा 100 करोड़ के टर्नओवर वाले एमएसएमई इसके लिए पात्र होंगे। आई खबर ते 1 जून के केंद्रीय 1 जून से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कैंटीन में मिलेगा सिर्फ स्वदेशी सामान। गृह मंत्री ने बात कही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को बताया कि 1 जून से देश भर के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सभी कैंटीन में सिर्फ देश में निर्मित उत्पादों की बिक्री करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद यह फैसला किया गया। आई खबर दौड़ते हैं। आरोग्य सेतु ऐप के 41 दिन में यूजर्स हुए 10 करोड़। नीति आयोग के CEO ने बात कही। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने ट्वीट किया कि सरकार के कोरोना संक्रमण वायरस की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप आरोग्य सेतु के यूजर्स की संख्या 10 करोड़ से अधिक हो गई है। 2 अप्रैल को लॉन्च हुए ऐप ने यह उपलब्धि 41 दिन में हासिल की है। उन्होंने कहा कि मैं आग्रह करता हूं कि सब इसे डाउनलोड करें जिससे हमारी जंग मजबूत हो। आगे खबर दौड़ते हैं। कोविड-19 मामले में कनाडा से आगे निकला भारत, बुरी तरह प्रभावित देशों में 12वें स्थान पर। भारत 12वें स्थान पर पहुंच गया है। आगे खबर दौड़ते हैं। पीएम केयर फंड ट्रस्ट ने कोविड-19 से लड़ने के लिए आवंटित किए 3100 करोड़ रुपये। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि पीएम केयर फंड ने कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने के लिए 3100 करोड़ आवंटित किए हैं। पीएमओ के मुताबिक इन 3100 करोड़ में से तकरीबन 2000 करोड़ वेंटिलेटर खरीदने, 1000 करोड़ प्रवासी मजदूरों की देखभाल और 100 करोड़ वैक्सीन के विकास के लिए खर्च किए जाएंगे। फिलहाल आपका वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।